इंडिया ने मॉरिशियस में अपना मिलिट्री बेस बना लिया और इसके पहले स्पाई इमेजेस भी आ चुके हैं। आगालेगा ये 12 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड है। भारत यहाँ पे 3000 मीटर लंबा एक रनवे भी बना चुका है, जहाँ भारतीय नेवी के P-8I पोसाइडन विमान लैंड कर सकते हैं। भारत ने इस आइलैंड के ऊपर 650 करोड़ रूपए ऑलरेडी खर्चा कर दिया। मॉरिशियस के साथ ये डील नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के सागर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इससे पहले भारत ने सेशेल्स आइलैंड के साथ भी ऐसा ही एक डील करने का चाहा जो कि फेल हो गया। हमारी सरकार खुद चाहती है कि दुनिया को पता चले कि भारत यहाँ पे एक मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, पर आखिर क्यों? ऐसे ओवरसीज बेसिस मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छे साधन है। भारत पाकिस्तान और खास करके चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को नाकाम करने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली और इंडियन नेवी के शिप्स और एयरक्राफ्ट ऐसे बेसिस का इस्तेमाल करके चीन के किसी भी अटैक को उसी समय नाकाम कर सकते हैं।